हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा और आज मनोविज्ञान टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे चुकी हूँ कि शिक्षा क्या होती है और मनोविज्ञान क्या होता है, और आज हम मनोविज्ञान को डिस्क्राइब करेंगे। मनोविज्ञान, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मन का विज्ञान। और मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से हुई, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों साइके तथा लोगों से मिलकर बना है। साइके का मतलब क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, इसीलिए इसे शायद आत्मा का अध्ययन कहा गया हो। तो इसीलिए मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि पहले के टाइम में जो था वो दर्शन शास्त्र था, मनोविज्ञान नहीं था। मनोविज्ञान का कोई अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन दर्शन शास्त्र जो था वो बहुत प्रचलन में था, ठीक है। और उसकी बहुत सारी शाखाएं थीं, जैसे मानसिक दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो लोग दर्शन शास्त्र में ही आत्मा, मन और मस्तिष्क से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होती थीं उसका अध्ययन कर लेते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता चला गया, तो मनोवैज्ञानिकों ने दर्शन शास्त्र से हटकर मनोविज्ञान को एक नया विषय बनाया, ठीक है। दर्शन शास्त्र को ही इसीलिए मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोडकल ने सन 1590 में किया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मनोविज्ञान के अर्थ में भी परिवर्तन आता गया। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने टाइम पीरियड में मनोविज्ञान को अलग अलग नाम दिए। चलिए देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है वो है आत्मा का विज्ञान। तो इसे हम फर्स्ट स्टेज भी कह सकते हैं कि पहली जो स्टेज थी साइकोलॉजी की या मनोविज्ञान की वो थी आत्मा का विज्ञान। तो वो थी 16वीं शताब्दी में, और इसके जो वैज्ञानिक थे वो थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते आदि। जो दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। लेकिन क्या हुआ कि आत्मा का विज्ञान सिर्फ कुछ ही मनोवैज्ञानिकों ने माना। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो और मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो आत्मा है उसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते तो उसका हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं, ठीक। लोगों की आत्मा के बारे में हम जान नहीं सकते तो उसका अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज़ को जो परिभाषा थी इस चीज़ की कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसको नकार दिया, ठीक है। और उसकी आलोचना शुरू कर दी कि आत्मा क्या है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, या यह क्या करती है या कहाँ रहती है। तो इसका जब इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा तो इसका अध्ययन कैसे संभव हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने आपत्ति उठाना और शंकाएं जताना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो दूसरी अवस्था आई वो थी मन का विज्ञान, जो 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना, ठीक। जैसे कि कहा जाता है कि जो मन का विज्ञान मनोविज्ञान के नाम से इसका उत्पत्ति हुई, जैसे मनो मन और वैज्ञानिक मतलब विज्ञान। तो इसीलिए पंपोनोजी ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, ठीक है। इसका प्रचलन भी काफी समय तक चलता रहा, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में क्या होगा, इसका भी लोगों ने आलोचना स्टार्ट कर दी कि जैसे आत्मा का अध्ययन नहीं किया जा सकता वैसे ही मन का भी अध्ययन नहीं किया जा सकता।
मन के बारे में भी ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पता लग सकती। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, इस परिभाषा को भी लोगों ने अस्वीकार कर दिया। फिर तीसरी आई 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, जिसे विलियम वुंड, जेम्स सली, विलियम जेम्स वाइव्स आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। ठीक है, इसके संदर्भ में सबसे पहले विलियम जेम्स ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत में मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया। आगे चलकर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। ठीक है, लोगों ने माना कि हाँ, जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। ठीक है, इसी में प्रमुख थे विलियम वुंड। विलियम वुंड थे जर्मनी के, और उन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला, ठीक है, उन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में 1879, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विलियम वुंड की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो किस सन में स्टार्ट हुई थी या किस जगह पर स्टार्ट हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो विलियम वुंड थे उन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में सन 1879 में विश्व की सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक, और उन्होंने भी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। चेतना को तीन भागों में बांटा गया, चेतना, अर्धचेतन और अचेतना। ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि सिर्फ चेतना की अवस्था पर ही ज़्यादा वर्णन किया। ठीक है, और व्यवहारिक चेतना और उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाले सिर्फ एक ही पार्ट, सिर्फ चेतना पर ही उन्होंने ज़्यादा बल दिया। और अर्धचेतन और अचेतना, जो चेतना का ही पार्ट थे, चेतना चेतना का ही भाग थे, उसको छोड़ दिया। तो इसी वजह से जो ये जो चेतना है, जैसे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह भी परिभाषा खंडित कर दी गई और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चली, इसे भी आलोचना का शिकार होना पड़ा। फिर उसके बाद आई चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज, जो थी व्यवहार का विज्ञान। और हाँ, इसमें जो चेतना है उसमें फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में चेतन मन के अलावा अर्धचेतन और अचेतन के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। ठीक है, चेतना को तीन भागों में बांटा, चेतना, अर्धचेतन, अचेतना, लेकिन ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने चेतना पर ही जोर दिया और अर्धचेतन और अचेतना को छोड़ दिया। लेकिन फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में चेतन मन के अलावा अर्धचेतन और अचेतन के बारे में भी विस्तार से बताया गया, जिससे कि लोगों में इस जो परिभाषा है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसको अपनाने से इनकार कर दिया। क्योंकि सिर्फ वो चेतना का विज्ञान नहीं थी, वो अर्धचेतन और अचेतना का भी विज्ञान थी। तो इसलिए उसके बाद जो लास्ट स्टेज आई वो थी व्यवहार का विज्ञान, जो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। और एक मनोवैज्ञानिक थे पिल्सवरी। पिल्सवरी ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व या एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, जो 1911 में मनोविज्ञान में लिखी गई थी, उसमें मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान बताया। फिर उसके बाद जो मैकडूगल हैं, विलियम मैकडूगल, उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, में व्यवहार शब्द का उल्लेख किया। और दूसरी पुस्तक मनोविज्ञान की रूपरेखा, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, में व्यवहार शब्द को परिभाषित किया। और उन्होंने यह परिभाषा दी कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य
सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करना है। फिर से सुनिए, मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करना है। यह मैकडूगल ने अपनी जो बुक है मनोविज्ञान की रूपरेखा, उसमें यह परिभाषा दी। उसके बाद वॉटसन ने व्यवहार शब्द को अधिक विस्तृत बनाने का प्रस्ताव रखा, और जो वुडवर्थ हैं उन्होंने टिप्पणी दी कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्याग दिया, उसके बाद मन को त्यागा, उसके बाद चेतना को बुला दिया और अब ये व्यवहार को स्वीकार करता है। किसी भी व्यक्ति की सभी क्रियाओं को व्यवहार की संज्ञा दी जा सकती है। व्यवहार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि कोई व्यक्ति सिर्फ चलने की क्रिया कर रहा है, उसके चलने का के व्यवहार का अध्ययन करना है, या तैर रहा है, या नाच रहा है, या खा रहा है, या पी रहा है, सिर्फ इसी चीज से का अध्ययन नहीं किया सकता, बल्कि उसका जो सोचना है, उसकी जो कल्पना करना है, उसका जो मस्तिष्क है, ठीक है, उसका उदास होना, उसका खुश होना, उसका क्रोधित होना, जो भी ये भाव होते हैं, जो भी ये इमोशंस होते हैं, उनका अध्ययन करना भी मनोविज्ञान में आता है और ये व्यवहार के अंतर्गत होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क जो है उसका सिर्फ चेतन का ही अध्ययन नहीं किया जा सकता, उसके जो अर्धचेतन और अचेतन जो है, उसका जो मानव व्यवहार है, उसको भी अध्ययन किया जाता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, और आज भी यह जो विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान, आज भी प्रचलित है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो लेक्चर है मनोविज्ञान के ऊपर, वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और मैं और भी वीडियोज़ और लेक्चर्स आपको तक पहुंचाती रहूं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।